करते हैं। खनन सेक्टर में मिशन 2030 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए 14 सितंबर को खनन उद्योग से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स का महाकुंभ जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस विशेष संवाद कार्यक्रम से मिलने वाले सुझावों के आधार पर नई खनन नीति और खनन उद्योग के भविष्य में किए जाने वाले अहम बदलावों को लेकर खास चर्चा होगी। पेश है एक खास रिपोर्ट। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम उद्योग एवं एमएसएमई वीनु गुप्ता ने कहा कि प्रदेश को उद्योग एवं वाणिज्य एमएसएमई माइनिंग व वाणिज्य कर क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के सपने को साकार करने के प्रयास होंगे। इसके लिए प्रदेश के इन क्षेत्रों से जुड़े औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों, सहभागियों, युवा उद्यमियों, विशेषज्ञों, खान धारकों, माइनिंग उद्यमियों, माइंस एक्सप्लोरेशन और खनन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों और विभिन्न एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ ही वाणिज्य कर क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के राजस्थान मिशन 2030 के तहत जयपुर में 14 सितंबर को शिविर आयोजित किया जाएगा। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राजस्थान में मिशन 2030 के तहत जयपुर में आयोजित शिविर में ज्यादा से ज्यादा हितधारकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि उपाधेय सुझाव प्राप्त किए जा सके। रासिको के प्रबंध संचालक मनीषा अरोड़ा ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जयपुर में 14 सितंबर को आयोजित राजस्थान मिशन 2030 की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साल 2030 तक प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास, नए उद्योगों की संभावनाओं, औद्योगिक निवेश, माइनिंग सेक्टर में एक्सप्लोरेशन और माइनिंग सहित सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी प्रदेश बनने के सपने को साकार करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों और युवाओं की भागीदारी तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी संबंधित विभागों को शिविर से पहले संबंधित हितधारकों से संपर्क कर उनके मूल्यवान सुझावों सहित शिविर में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर शिल्पी पुरोहित, ग्रामीण सुभाष शर्मा, माइंस विभाग के एसएमई प्रताप मीणा, एमई श्री कृष्ण शर्मा, महाप्रबंधक राशि को दिनेश सेठी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनन सेक्टर का योगदान शुरू से महत्वपूर्ण रहा है। अब मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप मिशन 2030 के लिए खान विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 14 सितंबर को तमाम स्टेक होल्डर्स का एक महाकुंभ रखा गया है ताकि स्टेक होल्डर्स से संवाद करके यह तय किया जाए कि भविष्य में नई खनन नीति किस स्वरूप की होगी, खनन का स्वरूप क्या होगा, खनन को किस रूप में आगे बढ़ाया जाएगा और नए खनिजों की खोज के लिए भी किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि प्रदेश में रोजगार भी बढ़े और खनन राजस्व भी। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।